गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एसके टेट बजर चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास दोस्तों करंट अफेयर्स की है। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? ऑप्शन ए है 24th of March, बी ऑप्शन है 25th of March, सी ऑप्शन है 26th of March एंड डी ऑप्शन है 23rd of March। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन 26th of March। बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों कौन सी है? ढाका। कैपिटल ऑफ बांग्लादेश ढाका। वहाँ के अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? जो 10th प्राइम मिनिस्टर हैं वो है शेख हसीना। और बांग्लादेश की जो करेंसी है वो उसको क्या बोला जाता है? बांग्लादेशी टका। और वहाँ का जो नेशनल स्पोर्ट है वो कबड्डी है दोस्तों। और बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था और किससे हुआ था? बांग्लादेश आज़ाद पाकिस्तान से हुआ था 1971 में। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी बिकम फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू यूज ड्रोन टू सैनिटाइज द सिटी? पहली भारत की ऐसे कौन सी सिटी है जिसने ड्रोन का यूज़ किया है शहर अपने शहर को क्लीन करने के लिए? तो ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है पुणे, सी है इंदौर, डी है जयपुर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंदौर। इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश में आती है और मध्य प्रदेश की राजधानी दोस्तों भोपाल है। वहाँ के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं लालजी टंडन। इंदौर भारत की सबसे क्लीनेस्ट सिटी है दोस्तों। आगे देखते हैं, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ डैश मिनिस्ट्री लॉन्च स्टे होम इंडिया विद बुक्स इनिशिएटिव। दोस्तों कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी कोरोना वायरस के चलते घर पर रहकर मुफ्त में 100 बुक्स की पीडीएफ आप पढ़ सकते हैं? तो ये कौन सी मिनिस्ट्री ने इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो ये है ए ऑप्शन है एचआरडी मिनिस्ट्री, बी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। आइए जानते हैं इन मिनिस्ट्रीज़ के बारे में। दोस्तों जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है वो है रमेश पोखरियाल के पास और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार। दोस्तों आजकल क्वेश्चन ये नहीं आता भी एचआरडी मिनिस्ट्री किसके पास है, ऐसा पूछा जाता है भी जिनके पास एचआरडी मिनिस्ट्री है वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है। तो आगे बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स किसके पास है? वो अमित शाह के पास है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी गुजरात है दोस्तों। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वो हर्षवर्धन के पास है और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कृष्णा नगर है जो दिल्ली में है। आगे देखते हैं, 25 वर्शिफर किल्ड बाय ISI सुसाइड बॉम्बर अटैक इन गुरुद्वारा। जो ये दोस्तों अटैक हुआ 25 सिख श्रद्धालुओं पर वो कौन सी देश में हुआ? वो हुआ ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी इंडिया और डी है नन ऑफ दीज। दोस्तों वो हुआ ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के कौन से शहर? काबुल में। दोस्तों काबुल राज्य काबुल जो है वो अफगानिस्तान की राजधानी है और वहाँ की जो करेंसी है उसे अफगानी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फुटबॉल नेम्ड इन फीफा कैंपियन अगेंस्ट कोरोना वायरस। दोस्तों ये क्या है, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए फीफा कैंपियन करेगा अगेंस्ट कोरोना टू किक आउट कोरोना। तो इसके लिए किसको चुना गया है? ऑप्शन ए है बाईचुंग भूटिया, बी है गुरप्रीत सिंह सिंधु, सी ऑप्शन है सुनील छेत्री, डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी सुनील छेत्री, जो अभी भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा के बारे में जानते हैं। फीफा की फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका हेड क्वार्टर है वो है ज्यूरिच में स्विट्जरलैंड में। प्रेजिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो। ठीक है दोस्तों, इनको ज़रूर नोट करें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे है अपॉइंटमेंट्स, इम्पोर्टेंट है अपॉइंटमेंट्स। IR ऑफिसर KM प्रसाद एंड SK गुप्ता अपॉइंटेड CBDT बोर्ड मेंबर्स। दोस्तों IRS ऑफिसर है इंडियन रेवेन्यू सर्विस से, किनको चुना गया? KM प्रसाद एंड SK गुप्ता। CBDT की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सीज।
और इनके चेयरपर्सन कौन है, प्रमोद चंद्रा मोदी। ठीक है दोस्तों, अगला है वालमार्ट प्रमोट्स समीर अग्रवाल एज सीईओ ऑफ बेस्ट प्राइस। वालमार्ट एक होलसेल कंपनी है, जिन्होंने उनके सीईओ बेस्ट प्राइस पे कौन है, समीर अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुणे बेस्ड एआरआई साइंटिस्ट डेवलपमेंट हाई प्रोटीन वीट वैरायटी, तो इनमें से वैरायटी का कौन सा हाई प्रोटीन है, देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है MACS 4026, बी ऑप्शन है MACS 4028, सी ऑप्शन है MACS 4024, डी ऑप्शन है MACS 4022। जो करेक्ट ऑप्शन है वो दोस्तों बी ऑप्शन है MACS 4028। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओबिचुरी से, तो फॉर्मर इंडियन फुटबॉल अब्दुल लाफिद पास्ड अवे एट 73 और फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस निम्मी पास्ड अवे एट 87। आगे देखते हैं दोस्तों, आज 27 मार्च है, तो आज का दिन वर्ल्ड थिएटर डे से सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।